गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और शिरडी हो गया हमारा घूमना कंप्लीट, और अभी हम जा रहे हैं घर वापस नवी मुंबई। तो सारा पैकिंग हो गया है, हम रेडी हो गए हैं और हमारा बस भी आ गया है नाइट को। तो पूरी रात की जर्नी है, सुबह हम पहुंच जाएंगे खारघर अपनी नवी मुंबई। फिर से सफर शुरू। तो पिछले ब्लॉग में वाटर पार्क का ब्लॉग तो आप लोगों ने देखा, और नाइट को ही आज हमारा बस है। तो हम लौट रहे हैं नवी मुंबई, जा रहे हैं घर। और मैं भतीजा से कुछ बात कर रही हूँ, ये अपनी बंगाली लैंग्वेज में, तो आवाज के लिए बैकग्राउंड वॉइस दिया। चलो हम निकल गए हैं अपने होटल के रूम से और ये लॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं हम नीचे। हमारा बस आ गया है, चलिए फिर बस में ही मिलते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में और जाइएगा बस, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो थर्ड फ्लोर में हमारा होटल मिला था। सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बार बार हालत ख़राब हो गई थी और ये हम नीचे आ गए हैं। बस सीढ़ी छोड़ के अभी जा रहे हैं, तो मन भी थोड़ा दुख रहा है। दो दिन रहा, अच्छे से एंजॉय किया हम सब ने मिलके। और ये हमारी बस आ गई है, खड़े हैं। तो स्लीपर क्लास बस है, जैसे आते वक्त आया वैसे ही सेम, और हमें सीट भी वैसे ही सेम सेम ही मिला नीचे और ऊपर में। तो ऊपर दोनों बच्चे सोएंगे और नीचे हम दोनों। बस अभी बस में उठ रहे हैं, पूरी नाइट का सफ़र है। तो ये स्लीपर क्लास बस में इतना परेशानी नहीं हुई थी, आते वक्त बहुत ही आराम से हम लोग आ गए। वरना बस में तो मुझे उल्टी वगैरह होता है, पर सोते सोते आ गए तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई। और ये देखिए, एक तरफ सिंगल वाला सीट और दूसरी तरफ डबल वाला बेड है, और एक तरफ सिंगल बेड है। पूरा बस ही स्लीपर क्लास है, सीट वाला नहीं है बैठने के लिए। तो बस दोनों बच्चे ऊपर सोएंगे और हम दोनों नीचे अपना सामान सब सेट कर ले रहे हैं, और बस सुबह पहुँच जाएँगे हमारे खारघर। और हम बस में उठ गए हैं, सब अपना अपना सामान रख दिया है, दोनों बच्चे ऊपर और हम दोनों नीचे। डबल डबल सीट है, इधर है सिंगल वाला सीट और इस साइड में है डबल वाला सीट। और ये सुबह हम उतर गए अपने खारघर में, ऑटो लेकर बस घर जाएंगे। सुबह सुबह बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही थी, एकदम बहुत ठंडी। तो हम लोग तो बस एक जैकेट ही पहने थे, स्वेटर वगैरह नहीं इतना लेके आए थे। हल्का हल्का ठंडी थी, पर सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंडी लग रही थी। और हम घर पहुंच गए हैं, नाश्ता खाने के लिए आ गए। घर में हिम्मत तो नहीं थी, बाहर से ही नाश्ता लाए हैं, पूरी सब्जी, तो वही बस खाएंगे सब। चाय वाय बनाया है, सब खा के फिर आराम करेंगे। और हम लोग देखिए थके हारे एकदम चूर हो गए हैं, बच्चे भी थक गए हैं, और बाहर से आया है आज नाश्ता, चाय नाश्ता करने के बाद फिर लंच की तैयारी करूंगी। और थकान के हमारे देखिए बाल भी पूरा बिखरा हुआ है, नींद भी कंप्लीट नहीं हुई रात को। बोलोगे कुछ ये करोगे से? दिन भर रात भर सोते है। नाश्ते में बाहर से पूरी और सब्जी आया है, तो हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर बाकी का ब्लॉग शुरू करती हूँ फिर से घर में। शिरडी का ब्लॉग हो गया है एंड, अभी घर का ब्लॉग फिर से शुरू। और फिर आगे और भी अच्छी अच्छी ब्लॉग आएगी वेस्ट बंगाल की। अभी से बोल दे रहा। चला जा खा ले, बैठ नीचे। और ये केक ला के रख के गया था फ्रिज में, ये खाना नहीं हुआ था, तो वही भतीजा काट रहा है। मैं बोला काट ले, सब मिलके खा लेते हैं। तो वही केक कटिंग कर रहा है वो, और ये सब करने में वो माहिर, एकदम मास्टर पीस है। तो वही केक, चॉकलेट केक ला के लाए थे, साहिल के पापा ला के रखे थे फ्रिज में। तो पर हम सीढ़ी चले गए, खाना नहीं हुआ था, तो वही काट के सब हम खाए। और लंच में बनाई हूँ दाल, टमाटर की चटनी, चना का दाल है ये, चिकन बनाई हूँ, और ये पुलाव बनाई हूँ, वाइट पुलाव। तो बस अभी हम लंच कर लेते हैं, और सब लोग फिर ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए, और फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में। और अभी फिर नवी मुंबई का ही ब्लॉग आएगा भतीजा के साथ, जितना जहाँ जहाँ घूमूंगी सारा शेयर करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं नए एक ब्लॉग में, तब तक के लिए आज ब्लॉग एंड कर रही हूँ खाना खाने के साथ ही। और आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, खाइए, मोस्ट वेलकम आप सबको, मेरे सारे दोस्तों को। तो आज का ब्लॉग एंड कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।